What's up everyone? Heather, Dania. Welcome to an amazing video of BCH and DDS. KGF Chapter 2 finally टीजर के बाद आज सॉन्ग आया है जिसका नेम है तूफान। वह हम लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे यार केजीएफ 2 के टीजर के ऊपर रिएक्ट किया था काफी मतलब एक साल आने ही लगा होगा जो सॉन्ग लगा हाँ जिस तरह हाँ। मतलब एक साल पहले आया था टीजर और एक साल मतलब कुछ भी नहीं और आज सॉन्ग आया तूफान यानी ट्रेलर बाकी में आने वाला होगा। यश जिस सुपरस्टार यश है उन्होंने जो रॉकी भाई का कैरेक्टर प्ले किया है केजीएफ में डेफिनेटली केजीएफ 2 में भी वही करेक्टर वही एटीट्यूड वही स्वैग आने वाला है। तो देखते हैं सॉन्ग कैसा होने वाला है। सॉन्ग के काफी व्यूज आ चुके हैं हर लैंग्वेज में आया है हिंदी में तमिल में तेलुगु में तो काफी रिक्वेस्ट आती तो हमने कहा हिंदी पे रिएक्ट करते हैं। लेकिन सॉन्ग स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर न्यू व्यूवर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन ऑल पर क्लिक करते हैं यार लाजमी कर दिया करो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और एंटरटेनिंग कंटेंट सबसे पहले आप तक आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्ले। छन्नी में डाला तो कोई नहीं टिकेगा ऐसे कायर लोगों को रखकर ये क्या कर लेगा। हाँ साहब आपने सही कहा हम कायर थे ताकत नहीं थी भरोसा भी नहीं था मौत हमारे सर पे मंडरा रही थी लेकिन जब उसने काली माँ के सामने उस राक्षस का सर धर से अलग किया ना उस दिन बहुत सालों बाद हम मौत के सर पर नाचे उसकी तलवार की रफ्तार से एक हवा पैदा हुई साहब उस हवा ने नराज जी के हर एक को सांसें दे दी। एक सलाह देता हूँ आप उसके खिलाफ जाने की जरूरत मत करना साहब जबरदस्त सॉन्ग जिस तरह से इस सॉन्ग की एडिटिंग हुई हुई है कि
माइंड ब्लोइंग एडिटिंग और मतलब जैसे बचपन में देखा था वो नहीं होता एक इंस्ट्रूमेंट टाइप चीज की जिस तरह मुझसे वो मारते हैं रॉकी भाई तो वो किस स्वैग से अपने कंधे पे रखता है ना आई वाज लाइक यार क्या एटीट्यूड है और वो एक वो माइंड में पिक्चर मेरी बैठ गई ना उसके बाद वो इधर मुड़ जाते हैं वो पिक्चर आ गई इनकी फिर बोरिंग एडिटिंग में वो चली गई और तूफान ये तूफान मचाने वाली है केजीएफ आने वाली मुझे भी लग रहा है तूफान मचने वाला है थिएटर्स में वर्ल्ड वाइड आ रही है ना कि सिर्फ एक कंट्री में बल्कि पूरी वर्ल्ड के थिएटर्स में आ रही है और मजा आएगा देखने केजीएफ 2 क्या होने वाला है रॉकी भाई ओह माय गॉड भाई तो मतलब काफी टाइम में केजीएफ के ऊपर रिएक्ट किया था कुछ सीन्स पे तो जिनका स्वैग है जिनका एटीट्यूड है और मजे की बात यह मोस्टली वही कास्ट है इस केजीएफ 2 में और इसका एक डायलॉग है ना पावरफुल पीपल कम्स फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस लेकिन उनको इन्होंने जाना क्या था पावरफुल पीपल मेक्स प्लेसेस पावरफुल यस तो वो बहुत जबरदस्त है और ये मतलब मुझे इनकी एक पर्सनैलिटी रॉकी भाई का जो करेक्टर है ना मुझे वो बहुत पसंद है इसकी एक वजह है वो हर तरह से मतलब वो नहीं है नहीं देखो वो विलन लोगों के लिए तो फिर विलन के बाप है ना वो तो मारते हैं पनिश करते हैं इफ यू आर बैड आर योर डैड पर वो भगा भगा के मारता है यानी कि फौरन जाके चुप्पे से इतना भगाते हैं वो जो मार वो अपनी जान बचाने को तक आखिर में मारते हैं लेकिन एट द सेम टाइम पर उनका जो रोमांटिक स्टाइल है वो लड़की के साथ वो उनका फन चल रहा होता है और उसके साथ वो करीब हो रहे होते हैं उसके साथ मजाक कर रहे होते हैं पर जो गरीबों के साथ जो छोटे सप्रेस लोग होते हैं उनके साथ वो इमोशनल अटैचमेंट होती है हाँ हमदर्दी करते हैं उनके लिए स्टैंड लेना राइट्स के लिए उठना मतलब ओवरऑल एक अच्छी पर्सनैलिटी है जो कि मतलब इसको हम क्या मतलब हट के है वरना मोस्टली जो हीरोज दिखाए होते हैं ना वो इतने इस टाइप के दिखाए होते हैं वो क्यूट और इनोसेंट होते हैं कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा होता है लेकिन ये जुल्म अपने ऊपर भी नहीं होने देते और किसी और के ऊपर भी नहीं होने देते किसी ने इतना जबरदस्त करेक्टर लिखा है और रॉकी भाई का जो करेक्टर फिर जब यश ने उसको किया है अमेजिंग 100% जस्टिस किया ये सॉन्ग भी बहुत मजे का है मोटिवेशनल सॉन्ग है इसमें मूवी के बारे में बताया गया कि रॉकी भाई के जो पर्सनैलिटी है उससे रिलेटेड तूफान है हट जा रहे हैं तो अमेजिंग आई होप आपने सॉन्ग एंजॉय किया होगा आप अपना ओपिनियन भी हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें इस वीडियो को लाइक करें वीडियो को भी शेयर करें व्हाट्सएप करें मैसेंजर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ रखना अपना ढेर सारा ख्याल चैनल को करना लाजमी सब्सक्राइब गुड लक